नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर मधुबनी जिले के झंझारपुर से आ रही है, जहां आज सरकार के दिशा निर्देशानुसार डीएम के आदेश पर एसडीएम द्वारा चनौरागंज पंचायत के विभिन्न योजनाओं की जांच की गई। अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में जांच टीम ने सर्वप्रथम पंचायत में प्रवेश करते हुए सड़क योजनाओं की जांच की। तत्पश्चात मलिछाम गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की जांच की। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति, पेयजलापूर्ति, शौचालय स्वच्छता, मिड डे मील सहित शैक्षणिक गुणवत्ता की भी जांच की। एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी विद्यालय में साफ सफाई और शैक्षणिक माहौल की स्थिति ठीक नहीं देखकर विद्यालय प्रधान के ऊपर विफर गए। उन्होंने तत्काल इसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहीं पंचायत में नल जल योजना की स्थिति ठीक नहीं पाई गई, जिस पर जांच अधिकारी काफी सख्त दिखे और कार्यवाही के लिए डीएम को पत्र भेजने की बात कही। इसके बाद अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की भी जांच की गई, जहां आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 178 पर दो बच्चे बिना ड्रेस के पाए गए। शौचालय और स्वच्छता का अभाव देखकर अधिकारी भड़क गए, सेविका को बड़ी फटकार लगाई। एसडीएम द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों की भी जांच की गई। एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि वे जांच में ढेरों खामियां मिली हैं। जांच रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी, डीएम के आदेशानुसार जवाबदेह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। खबरों में अपने के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।